अस्सलामुअलैकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं मिस अरीफा। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश में, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी, देन हम उसकी वर्किंग करेंगे। तो चलें हम लोग पहले उसकी रीडिंग कर लेते हैं। आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर, सेकेंड लेसन, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। सबसे पहले मैं उसकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद हम वर्किंग करेंगे। तो हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। पहले शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो है हमारे सिंध के एक सूफी शायर थे। लोग उन्हें अकीदत मंदी से लाल लतीफ भी कहते थे। आप एक छोटे से गांव हाला हवेली में 1102 हिजरा में पैदा हुए। आप जो है बचपन ही से, चाइल्डहुड से ही जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ जो है ना चले गए थे, रागब हो गए थे। और आपने अपने चाइल्डहुड में ही, जब आप लड़के थे, तो आपने पोइट्री लिखना शुरू कर दी, नज़में लिखना शुरू कर दी थी। जब आप 20 साल के हुए तो आपकी शादी हो गई और आप अपनी बीवी से जो है ना बहुत काइंड नेचर के थे। तो आप अपनी बीवी से बहुत अच्छे जो है ना बिहेवियर के साथ पेश आते थे। आपने जो है ना बहुत साल अपने घर में गुजारे, और घर में गुजारने के बाद वो अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, यानी कि वो दीन की तरफ बहुत हो गए थे। और आपने जो है ना बहुत छोटी उम्र से ही जो है ना अरबी और फारसी में स्कॉलर, जब आप बड़े हुए तो आप अरबी और फारसी के स्कॉलर बन गए। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत साल जब आप अपने घर में रहे तो वो बेजायर महसूस करने लगे, बोर हो गए। तो और जब आपके फिर आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो आप जो है अपने घर को छोड़ दिया आपने, और आप अपने गांव के करीब एक जो है ना वो था, माउंट था जिसे कहते हैं टीला, रेत का टीला था, वहाँ पे जाके आप रहने लगे। और आपने आपने अपनी बाकी की ज़िंदगी उस टीले पर ही गुजारी। और जब आप वहाँ रहते तो आप जो है ना वहाँ वो आइसोलेटेड नेचर के थे, तो आपने वहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत की। और आपने जो है ना आपको शायरी से भी, और आपने शायरी भी करी, अल्लाह ताला की तारीफ में अशार भी लिखे आपने। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ना सिर्फ सूफी शायर थे बल्कि इन्हें म्यूज़िक से भी बहुत जो है ना अट्रैक्शन फील होने लगी। तो जब आपने इस स्किल में कमांड हासिल कर ली, तो आपने जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया, इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसका नाम था तंबूरो। क्योंकि आप समझते थे कि जो है ना म्यूज़िक को जो है ना बहुत आसान होना चाहिए, आम लोग सुनते हैं तो आम लोगों की लैंग्वेज में ही होना चाहिए म्यूज़िक, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जो है ना आसान होना चाहिए। क्योंकि सिंपलिसिटी उन्हें पसंद थी, तो इन्होंने म्यूज़िक को भी जो है ना सिंप्लीफाई किया। आपने एक जो है इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसे तंबूरो कहते हैं। ये एक जो है ना अरब का एक इंस्ट्रूमेंट उसकी तरह था, लेकिन इसके जो है स्ट्रिंग्स की ही जो है ना नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफरेंट थे। आपने बहुत सारी जो है ना सॉन्ग्स लिखे थे उस इंस्ट्रूमेंट पे। आज भी वो जो है इस सिंध में जो है ना बहुत मशहूर है वो इंस्ट्रूमेंट। आप 1165 में आपकी डेथ हो गई, और उसी टीले पर जहाँ पे आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, और आपकी वहीं पे डेथ हो गई और वहीं पे आपको दफन किया गया। वहाँ के एक बादशाह थे गुलाम शाह कलहोड़ो, वो आपसे बहुत अकीदत मंदी रखते थे। तो उन्होंने आपकी कब्र पर ही आपका जो है ना मज़ार बना दिया, श्राइन बना दिया। और आपका जो है उर्स हर साल इस्लामी महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेकंड मंथ जो है सफ़र, उसकी 14 तारीख को आपका उर्स होता है। जो आपसे, जो आपके डिवोटीज हैं वो आते हैं और आपकी अकीदत मंदी में जो है ना आपके जो गाए हुए गीत हैं, पोइट्री हैं, वो करते हैं। अदीब जो है मकाले लिखते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो मैसेज था वो मैसेज ऑफ लव था, वो ब्रदरहुड, जस्टिस, और जो है जस्टिस को ही जो है ना वो आपका मैसेज था, और आपका यही आपके मुताबिक ज़िंदगी का गोल था। इस चैप्टर में ये सब कुछ था। अब हम इसकी वर्किंग पर आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, अब आप सेकंड चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेकंड चैप्टर की पहले हेडिंग डालेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। देन नेक्स्ट पेज से आप लोग वर्ड्स मीनिंग करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग हम लोग कैसे करते हैं, पहले वर्ड्स होते हैं, फिर उसकी हम इंग्लिश मीनिंग, देन उर्दू मीनिंग। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट जो है आप लोगों की वर्ड, फर्स्ट वर्ड है आप लोगों का एक्वायर, उसकी इंग्लिश मीनिंग
मीनिंग है ऑब्टेन और उर्दू मीनिंग है हासिल करना. सेकेंड है आप लोगों का अक्यूज, उसकी इंग्लिश मीनिंग है वेक और उर्दू मीनिंग है जगाना. थर्ड वर्ड है आप लोगों का बैंक, उसकी इंग्लिश मीनिंग है साइड ऑफ अ लेक और रिवर, उसकी उर्दू मीनिंग है किनारा. फोर्थ वन जो है आप लोगों का वर्ड वो है ब्लेसिंग, उसकी इंग्लिश मीनिंग है आप लोगों की डिवाइन फेवर और उर्दू मीनिंग है ब्लेस रहमत. जो नेक्स्ट वर्ड है काम, उसकी इंग्लिश मीनिंग है पीसफुल, उर्दू मीनिंग है पुरसकून. देन है डीड, उसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्ट, उर्दू मीनिंग है काम. उसके बाद डिवोटेड, उसकी उर्दू मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है डेडिकेटेड और उर्दू मीनिंग है वक्फ करना या वक्फ. उसके बाद जो वर्ड है वो है डिग्निटी, उसकी इंग्लिश मीनिंग है प्राइड, उर्दू मीनिंग है वकार. उसके बाद है फेमस, उसकी इंग्लिश मीनिंग है वेल नोन, उर्दू मीनिंग है मशहूर. उसके बाद है गोल, और उसकी इंग्लिश मीनिंग है एम और उर्दू मीनिंग है मकसद. जो लास्ट वन है वो है जेंटल, उसकी इंग्लिश मीनिंग है नोबल और उर्दू मीनिंग है शरीफाना या मुअज्जिज़. तो आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग कर ली, देन आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट पेज से. तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज शाह अब्दुल लतीफ, शाह अब्दुल लतीफ कैसे इंसान थे. आंसर है आप लोगों का ही वॉज वेरी सेंसिटिव, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री वेयर ही वॉज ओनली बॉय, व्हेन ही वॉज ओनली बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का राइट अबाउट द श्राइन्स ऑफ सेंटली मैन बिल्ट इन पाकिस्तान. इसका आंसर है देयर आर श्राइन्स ऑफ सेंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री. द श्राइन्स ऑफ दादा गंजबख्श एंड मियाँ मीर साहेब आर इन लाहौर. बाबा फरीद श्राइन इज इन पाकपतन. वॉज बहाउल हक हक श्राइन इज इन मुल्तान. शाह अब्दुल लतीफ एंड कलंदर लाल शाहबाज श्राइन्स आर एट भिटशा एंड सहवा इज इन मुल्तान. सहवन इज इन मुल्तान इन सिंध. उसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज भिट मीन एंड व्हाई शाह लतीफ इज कॉल्ड भिटाई. इसका आंसर है भिट्स मीन अमाउंट ऑफ सैंड. शाह लतीफ स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट सो ही इज कॉल्ड भिटाई. उसके बाद आप लोगों की फिलिंदा ब्लैंक्स हैं. तो पहली फिलिंदा ब्लैंक जो है वो है शाह अब्दुल लतीफ वॉज बॉर्न इन डैश 1689, डैश में आएगा 1689. सेकेंड है भिट मीन्स डैश, जो ब्लैंक है आप लोगों की वो है अमाउंट ऑफ सैंड. उसके बाद थर्ड जो है वो है हिज गुड्स ऑन डैश सफर एवरी ईयर, जो ब्लैंक में आएगा वो आएगा 14th. फोर्थ है आप लोगों की शाह लतीफ लव ऑफ गॉड ग्रो डैश, ब्लैंक में आएगा आप लोगों का डे बाय डे. उसके बाद फिफ्थ है डैश इज द सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका जो इस ब्लैंक है उसमें आएगा तंबूरो. अब हम शॉर्ट नोट करेंगे, मैं रीड कर रही हूँ शॉर्ट नोट. शाह लतीफ वॉज अ ग्रेट सेंट्री पोइट ऑफ सिंध, हिज पोइट्री इज सिंपल एंड मूविंग. ही वॉज ऑल्सो अ म्यूजिशियन सो ही मेड म्यूजिक सिंपल एंड इन्वेंटेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड तंबूरो. शाह लतीफ स्पेंट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ भिट, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम देयर एंड प्रेयर्स डिवोशन और कंपोजिंग वर्सेज इन गॉड्स प्रेज. शाह डाइड ऑन द भिट एंड वॉज ब्यूरीड देयर. हिज उर्स इज हेल्ड ऑन 14th सफर एवरी ईयर. अब हम करेंगे सेंटेंसेस, तो मैं पहले वर्ड बोलूंगी देन उसका सेंटेंस बोलूंगी. तो पहला सेंटेंस है ब्लेसिंग, उसका सेंटेंस है गॉड हैज बेस्टोड अस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. सेकंड है आप लोगों का फेमस, उसके सेंटेंस है अल्लामा इकबाल इज द फेमस पोइट ऑफ मुस्लिम्स. थर्ड वर्ड है आप लोगों का रूल, उसका सेंटेंस है वी ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आर कंट्रीज लॉ. फोर्थ है आप लोगों का श्राइन, उसका जो सेंटेंस है वो है कायदे आजम श्राइन इज इन द कराची. उसके बाद है फिफ्थ इन्वेंट, उसका सेंटेंस है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल.
इन्वेंटेड द टेलीफोन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है द श्राइन ऑफ वाज बहाउल हक इज इन डैश। फर्स्ट ऑप्शन है लाहौर, सेकंड है पेशावर, थर्ड है मुल्तान। तो सही ऑप्शन है मुल्तान। दूसरा है आप लोगों का शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज लविंगली कॉल्ड डैश लाल लतीफ, शाह लतीफ या सेंट लतीफ। तो आंसर है इसका सही जो है वो है लाल लतीफ। शाह थर्ड है जो आप लोगों का वो है शाह अब्दुल लतीफ वॉज बॉर्न इन डैश। फर्स्ट ऑप्शन है 1101, सेकंड ऑप्शन है 1102 और थर्ड है 1103। तो जो सही ऑप्शन है वो है 1102 सेकंड ऑप्शन। फोर्थ वन जो है आप लोगों का वो है व्हेन शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वॉज बॉर्न द किंग रूल्ड द कंट्री वॉज डैश। पहला ऑप्शन है आप लोगों का अकबर, सेकंड है बाबर, थर्ड है औरंगजेब। तो जो सही है जिस पर टिक आएगा वो है औरंगजेब। फिफ्थ वन जो है वो है शाह वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज कॉल्ड भिटशा, हाला हवेली या मालती। जो सही ऑप्शन है वो है हाला हवेली। जो सिक्स्थ है आप लोगों का वो है शाह लतीफ डाइड इन डैश। फर्स्ट ऑप्शन है 1135 हिजरा, सेकंड है 1105 हिजरा और जो थर्ड है वो है 1165 हिजरा। तो सही जो ऑप्शन है वो आप लोगों का है 1165 हिजरा। सेवेंथ ऑप्शन है आप लोगों का, सेवेंथ एमसीक्यूज है लतीफ उर्स इज हेल्ड एट हिज श्राइन्स एवरी डे एवरी ईयर ऑन 14th डैश। जो ऑप्शंस है वो है ज़िलकद, दूसरा ऑप्शन है शाबान, तीसरा है सफर। तो जो सही ऑप्शन है वो है सफर। एट एमसीक्यूज है आप लोगों का लतीफ मैसेज इज द मैसेज ऑफ डैश। ऑप्शंस है पीस, लव और ब्रदरहुड। तो जो सही ऑप्शन है वो है लव। नाइन्थ एमसीक्यूज है आप लोगों का शाह लतीफ डैश। ऑप्शंस है सिंप्लीफाइड म्यूजिक, डिग्निफाइड म्यूजिक या जस्टिफाइड म्यूजिक। जो सही ऑप्शन है वो है सिंप्लीफाइड म्यूजिक। जो लास्ट वन है आप लोगों का वो है फ्रॉम हैदराबाद भिट शाह इज एट डिस्टेंस ऑफ डैश 45 किलोमीटर्स, 55 किलोमीटर्स या 65 किलोमीटर्स। जो सही आंसर है वो है आप लोगों का 55 किलोमीटर्स।